डंडा छोड़ दो, डंडा छोड़ दो, इसकी शकल इधर करो, इसकी शकल का एक सारा कपड़ा गंदा कर लिया है। ओ तेरी की काय पिलो का है, माता अल्लाह मैं नजर न लगाऊं। क्या है तेरी की, इसका नाम क्या है जी? शाहान। शाहान शाहान मुछड़ा, मुछड़ाता ये मुछड़ा, इनके अम्मा कहती तब करता है, वो चुड़ाओ नहीं चुड़ाएगा। इतने तलबिया के पास चला गया, हम लोग के पास नहीं आ रहा था। हाँ ये तो मुँह चिड़ा रहा है, अरे बाप रे देखो इन लोग के पास कैसे जा रहा है, वो देखो जाओ रोजी तुम भी ले लो आ रहा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये देखें आज घर में ना ढेर सारे बच्चे भी आए हुए हैं और घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, तो मेरे हम शाय लोग आए हुए थे, तो आज जो था ना तो वो रजब की 22 तारीख थी, तो मेरे घर में भी कूंडा होता है जो टिकिया वगैरह बनता है, तो इसलिए घर में गेस्ट आए हुए थे। माशाल्लाह से बहुत रौनक थी, अब बहुत पूरा दिन बिजी भी था माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिन गया। अच्छा लगता है जब घर में गेस्ट आते हैं। तो एक दिन पहले ना यहाँ सना ना मुझसे मेहंदी लगवाई थी, तो माशाल्लाह से इसकी मेहंदी देखे कितनी अच्छी से लग गई। अच्छा सना को जो मेहंदी ना मैं कहती हूँ हल्की लगा दूँ, लेकिन नहीं, उसको जो मेहंदी होती है ना बिल्कुल भरी भरी सी लगती है। इस सना के तो समझ लें ईद हो गई थी, ये ना ईद पर भी मेहंदी लगाना इनको, और रमज़ान आएगा तब भी कह देगी मेहंदी लगाने को, और कुंडे के चांद है तो उसमें भी शादी में जाना है तो भी, मतलब इसको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मेहंदी इसको हल्की लगा दो ना तो बिल्कुल नहीं पसंद आता। और आज का जो सना की मेहंदी चढ़ गई, सना का ड्रेस, सना का मेकअप, ये है जी देखें कुंडे का नियाज, जो फातिहा होता है नियाज बोलते हैं हालांकि, तो इसको ना ख़त्म करना होता है। मुझे नहीं पता कि ये सब जगह होता है कि नहीं होता, हमारे घर में मेरी अम्मी करवाती हैं, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के नाम पे ये नियाज होती है, तो बच्चे भी आते हैं बड़े भी आते हैं सबको, इसको मतलब खा करना इसको ख़त्म करना रहता है। बस पूरा दिन मेहमानों के साथ ही गुजर गया और अपने लिए बस वक्त ही नहीं मिला। तो आज वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें, बताएं आज की वीडियो कैसी थी। ये जो सारी हैं ना लड़कियाँ, ये तलबिया की सहेलियाँ थी, जो तलबिया अपनी सहेली लोग को लेकर आई हुई थी। तो रात में अम्मी कुंडे का खस्ता बनाई थी और मैदा बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि लो मैं ना मठरी बना लेती हूँ, थोड़ा नमकीन भी। तो ये मैदा है, मैदा में मैंने इसमें नमक डाला है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल। तो ये मठरी बनाई थी मैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। और रिफाइंड जो है ना अच्छे से डालना है, और इसको डालने के बाद खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, मतलब खूब अच्छे से इसको मैदा और जो रिफाइंड इसको अच्छी तरीके से कर ले। मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ इतना दिखाया, फिर इसको हल्का पानी डालकर आप से इसको ना अच्छे से गूंथ लें। गूंथने के बाद फिर देखें यहाँ पे मैं बेल रही हूँ, तो मैं इसको दो तीन बार में बना के निकाल ली थी, तो मैंने इसको होलसेल पे नहीं बेला, प्लेटफॉर्म पे ही किचन के बेल लिया बड़ा सा बेल कर, और एक बार में ही काट करना दो तीन बार में निकल गया था क्योंकि फिर टाइम लग जाता। तो यहाँ पर देखें मैंने एक बार डाल दिया है और दूसरा मैं बेल रही हूँ। तो आप चाहे इसको ना किसी भी शेप में बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटी छोटी और बहुत ये पतला मैंने बेला, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब मीडियम है। तो आप इस तरीके से बना लें, और चाहे तो आप इसको सीधा सीधा काट लें चाहे लंबा काट लें। तो मैं इसको थोड़ा बर्फ़ी के आकार में दे रही हूँ। अच्छा मठरी ना बिल्कुल क्रंची क्रंची नमकीन से रहती है, तब मज़ा, इसको फूलना नहीं चाहिए इसका, जो आप अच्छे से अगर इसको अंदर मैन दिए रहेंगे ना तो ये अच्छी खासी क्रंची क्रंची से बनेगी, और ठंडी होने के बाद ही क्रंची आती है। तो इसको पहले आप ना स्लो आंच पे रखें, और उसके बाद फिर ना आप इसका जो फ्लेम है ना उसको नीचा कर दें। और यहाँ पे देखिए मेरा हाथ जो था ना फिर टेढ़ा होते जा रहा था, मतलब कि फिर नहीं गैस रखा हुआ था तो उधर हाथ मेरा पहुँच नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही काट दिया। बस इसका सेफ आना चाहिए, कोई मसला नहीं कि आप इसको कैसे काटें कैसे नहीं काटें, इसका जो मेन होता है अंदर जो मेन होता है अच्छे से घी इसमें अच्छे से डाल दें तो ये क्रंची क्रंची से बन जाता है। तो फिर इसको आप गोल्डन फ्राई होने तक तेल में करें, पहले जब डालें तो इसका जो फ्लेम है ना स्लो आंच पे रखें ताकि ये ना जल्दी से फूल ना पाए, फूलेगी तो फिर ये पूरी के तरीके हो जाएगी। पहले स्लो आँच पर रखें, और फिर इसको देखें मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया, और इसको बार बार मतलब पलट पलट कर
आपको इसको मतलब कोई छोटी कढ़ाई है, छोटी कढ़ाई में मैंने इसको इसलिए डाला क्योंकि ये तेल में अच्छी तरीके से डूब जाए। जो बड़ी होती है ना फैली होती है तो फिर तेल उसमें फैला रहता है, फिर ये मटरी ना तेल में अच्छी तरीके से डूब नहीं पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको छोटी कढ़ाई में ही डाला है। एक बार में ही बेला जितना था सारा इसमें एक बार में ही डाल दिया था। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करें, ट्राई करके मुझे बताएं। रमज़ान में मैं अक्सर इसको बनाती हूँ, और तलविया जब थी ना मेरे पास तो मैं इसको टिफ़िन में इसको बना के मैं रख देती थी। इसको ना तलविया को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो ये मुझसे पहले ही बोल कर गई थी कि अपनी मटरी बना के रखना मेरे लिए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और वो भी मुझे इसको बनाते ना बहुत बहुत टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी, जो कि मुझे इसको सुबह बनाना चाहिए था, लेकिन जब ये आई थी तब मैं इसको बना रही थी, लेकिन माशाल्लाह से जल्दी से बन गया। अच्छा देखिए, इसको उठा कर ना आप बस इसको उठा के इस तरह डाल दें कि ये अलग अलग से सोचे कि अलग अलग से डालें, तो अलग अलग से डालेंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। तो जब आप ये तेल में जाएगा ना तो अपने आप ये छूट जाएगा, जब ये गर्म होगा ना तो फिर ये छूट जाएगा। तो इसको बस डालकर छोड़ दें, फ्लेम को स्लो रखें यहाँ पर, जब ये आपस में जो जुड़ना है वो छूट जाए ना तो उसके बाद आप इसको निकालें। तो यहाँ देखें ये भी बनकर माशाल्लाह से तैयार है, ये भी गोल्डन गोल्डन से और क्रंची क्रंची से बन गई है। तो आप लोग बताएं, आप लोग के यहाँ कुंडा की नियाज होती है और आप लोग कुंडे पे क्या करते हैं? तो हम लोग मेहंदी वेंदी भी लगाते हैं, कपड़े कपड़े भी बच्चों के बन जाते हैं, और जो कुंडे की नियाज होती है उसको जाते हैं मतलब सब जगह अपने हमसाय के यहाँ जो बुलाता है उसके यहाँ फिर खाते हैं पीते हैं, थोड़ा नमकीन बनाते हैं और बस इंजॉय करते हैं, यही होता है। और साथ में मटरी बनी थी, और साथ ना मैंने चना भी बनाया हुआ था, साथ छोला भी बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई हूँ। चना तो मैंने बहुत बार वीडियो में डाल रखा है, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो चना भी बनकर माशाल्लाह से तैयार है। अभी मैंने इसका ढक्कन खोला हुआ है, अभी इसमें हल्का सा पानी है ना जो मैं इसको तेज़ आंच पे रख कर और इसको मैं खुश्क कर लूँगी, जब खुश्क हो जाएगा ना तो इसका जो पानी है ना भर जाएगा, फिर ये तेल छोड़ देगा। तो माशाल्लाह से आज का जो दिन था ना बहुत अच्छा गया। तो यहाँ देखें, अब मैं गरम गरम चना है तो मैं इसमें नींबू डाली हुई हूँ, और मैं इसको प्याज के साथ में नहीं खाती, प्याज जब खाती ना फिर मेरा गला जलता है। तो चना माशाल्लाह से बनकर तैयार है, तो बताएं आपको कि कैसा लगा। तो और मैं क्या बोलूँ, हाँ और वीडियो ना एग्जाम सर पे इन लोगों के इस तरह रहता है, एग्जाम सर पे अच्छा एग्जाम सर पे है, शरारत कर रहे थे, कह रहे थे एग्जाम सर पे है। तो देखिए ये फिर इसके बाद पढ़ाई के बाद ना, अगर जब कोई पैसा देते तुम नाटक करते हो, किस तरह नाटक करते हो, किस तरह नाटक करते हो अनुराग? नहीं नहीं अनुराग, किस तरह नाटक करते हो? वो पैसा ले लो दे रही है, ले लो अब रख लोगे ये ड्रामा था। तो आपने देखा जब मेहमान पैसे देते हैं तो बच्चे इस तरीके से ड्रामा करते, नहीं नहीं रख लो, उसके बाद कहते हैं ठीक है ले आओ। तो ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था यहाँ पे, और सब खा रहे थे, अब बहुत मस्ती कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। बस आज का जो दिन था ना बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिजी था, खुद के लिए वक्त नहीं मिला, लेकिन हाँ जब मेहमान आते हैं घर में, बच्चे रहते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना पसंद आई होगी, और जो आपकी राय है ना, जो कुछ कमी है तो प्लीज़ वो कमेंट में बता दें, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की होनी चाहिए वो भी बता दें, और चना कैसा रहा और खस्ता कैसा बना हुआ था और मटरी कैसी बनी थी ये भी आप वीडियो में बता दें। तो बच्चों के साथ इंजॉय किया सारा दिन, और हम लोगों ने पार्टी वार्टी भी थोड़ा सा की, और फिर क्या, फिर मेरी फ्रेंड भी आई थी और फिर उसके साथ भी कुछ गपशप हुई। तो यहाँ शाम का टाइम था, सब कोई चले जाने के बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, आराम से बैठकर हम लोग उसके साथ बातें कर रहे थे, और उसको भी नाश्ता वास्ता लगाया। फिर स्कूल टाइम की मेरी फ्रेंड थी तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ वक्त गुजार के। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना इंशाल्लाह यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।